अस्सलाम वालेकुम, नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। और इस वक्त मैं मेन नागन चरंगी पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इस वक्त के पाकिस्तान स्टेट आयल पर पंप पर मैं मेन नागन चरंगी के पंप पर इस वक्त खड़ा हुआ हूँ मैं। और बेतहाशा रश, क्योंकि सुबह 6 बजे जो है पेट्रोल की बंदिश की जा रही है, ऐलान किया गया कि पेट्रोल पम्प बंद हो जाएंगे। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं इस पेट्रोल को पंप बंद होने से, पेट्रोल ना मिलने से लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी से आ रहे थे, उनको अब पता चला जिनके पास पेट्रोल नहीं है, घर जाने तक की का पेट्रोल नहीं है उनकी बाइक्स में, उनकी गाड़ी में। कराची में ज़्यादातर आवाम जो है बाइक्स पर सफ़र करती है, 60% से ऊपर जो है बाइक पर सफ़र करती है आवाम। क्या हो रहा है कराची वालों के साथ, आए जानेंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस हमें पता चला पेट्रोल बंद हलवाने आ गए, फारिक बैठे हुए थे घर, कल बंद हो रहा है भाई। कराची में तो इन्होंने एक ऐसा माहौल कर दिया कि हर एक गरीब आदमी की जिंदगी की माहौल बन गया। कभी पेट्रोल की कीमत नहीं, कभी पेट्रोल नहीं, कभी गैस नहीं, कभी घरों के चूल्हे नहीं जल रहे, अब पेट्रोल पे क्यों बम गिरा दिया गया, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। तो कराची में क्या होने वाला है, कुछ पता चल रहा है आपको? आप तजुर्बे कहा रहे हैं कराची के, 40-50 साल से रह रहे होंगे यहाँ पे आप, यही तब्दीली दिखा रहे हैं? देखा कभी नहीं देखा, आज तक यही तब्दीली आ रही है ना, तब्दीली लाएंगे, नई तब्दीली आ तो रही है, तब्दीली दिखा तो रहे हैं, ये तब्दीली और कौन सी तब्दीली है? ये इमरान खान की गलती है ना, उसको सोचना चाहिए। आवाम जो खड़ी हुई है वो कुछ सहूलियात निकाले ना, अभी लेडीज़ खड़ी हुई हैं, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला, वो सोचेंगे इस बारे में तभी तो मुल्क चलेगा ना, वो कीमतों को बढ़ा। हुकूमत तो पॉलिसीज हैं कि पेट्रोल भी नहीं है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है यहाँ पे, पेट्रोल अब पेट्रोल की बारी। ओ उसको मशवरे मैं ये दूंगा कि वो अपने आप को पहले खुद सही करे, फिर ये मुल्क चलाए। हम महंगाई के खिलाफ कहना चाहेंगे कि 11 रुपये आप क्यों बढ़ा रहे भाई, गरीब बंदा कहाँ से करेगा ये पेट्रोल? फूड पांडा का काम करते हैं आप, बताइए आप पे क्या मुतासिर होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और पेट्रोल बंद होगा तो पेट्रोल आपकी रोजी रोटी का मामला है होगा। पेट्रोल तो तमाम की रोटी रोटी का वो सहूलत होती है उस पेट्रोल से, आप पे क्या मुतासिर होगा? मुतासिर तो बहुत कुछ होगा, बाइक की मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी, खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे, जहाँ 280 का चलता है वहाँ 500 का चलेगा, नहीं होगा। पब्लिक के पास पैसा बहुत है, सीधी बात ये है, गरीब बंदा पिस रहा है, अमीर ऐश कर रहा है। जी बताइए, आप कह रहा हूँ हॉस्पिटल अपने बच्चे के लिए ना, ठीक है, पेट्रोल मिल गया ठीक है ना, तो पेट्रोल को आग लगा दूंगा पंप को, मुझे मेरे बहुत तकलीफ। देखे ये एक साहब है जो मैं अभी बात कर रहा था, इमरजेंसी हो जाए इस शहर में, इमरजेंसी हो जाए या किसी के घर पे इमरजेंसी हो जाए, और उस सूरत में वो क्या करेंगे? ये भाई हैं हमारे, हॉस्पिटल बना मैं, अगर मैं परेशान हो ना मैं पेट्रोल पंप को लड़ा दूंगा, पेट्रोल नहीं मिला तो। यानी दिल बर्दाश्ता हो गए ये, इस वक्त इनकी कैफियत ये है, मैं देख सकता हूँ इनकी कैफियत ये है कि मैं इजहार नहीं कर सकता, आपको सच बात बता रहा हूँ, मार के पेट्रोल छीनूंगा या पंप को आग लगा दूंगा। आखिरकार यही होगा ना, नौबत तो यही आएगी, लोग मानने पर आ जाए। ये बताइए कि आपको क्या है पेट्रोल ना होने पर? परेशान, हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा, सब पंप बंद है, पुलिस वाले बंद करा रहे हैं, इसका कोई हल निकालो या सिंध हुकूमत की नजर में क्या, सिंध हुकूमत हो या क्या होना चाहिए? सुलत तो दो ना, हमने रोटी भी छीन ली है, जो थोड़े बहुत मिल रहा था वो भी खाली से पेट्रोल मिल रहे हैं, पुलिस वाले बंद करा रहे हैं, जगह जगह पे तंग करके रखा हुआ है, चलान भी कट रहे हैं, और हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, रोजी रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मजबूरी है, और क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी, क्या रोज गाड़ी का काम कर रहे हैं, क्या करें, रोजमर्रा का काम करेंगे, आप पे असर नहीं पड़ेगा पेट्रोल नहीं होगा? बिल्कुल, कितने का पेट्रोल डलवा लेंगे आप? 2000 का। 2000 का, यानी 2 दिन का पेट्रोल डलवा लेंगे या 3 दिन का, कितने का दिन का? 2 दिन। शान है, और ये हुकूमत को देखना चाहिए क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, पीछे जो है वो पुलिस आती है और सब कुछ बंद हो जाता है, और अपनी जगह है पुलिस आ रही है बंद हो जाता है, पेट्रोल पंप वालों को भी कसूर नहीं है, रॉन्ग ये कहाँ है, ये गवर्नमेंट को पहले ही एड्रेस कर लेनी चाहिए थी, ये चीज़ें उनको पता होना चाहिए था, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तो इतने अरसे से जो बोला हुआ था कि हम ये करेंगे करेंगे, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कुछ करे उससे पहले। पेट्रोल की परेशानी है, हर चीज की, रोजगार वैसे ही आपकी गाड़ी लोडिंग गाड़ी तो किस पर्पस होती है ये? बाबा लोडिंग का काम है, आप गाड़ी पकवान का काम है हमारा, और हमारा हम लोग तो टंकी फुल करवाएंगे, 2 घंटे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, और टंकी फुल कराएंगे जी, यानी 2-3 दिन का आप कर लेंगे, यही मतलब है, यानी आप लोग ने जहन हम आवाम ने बना लिया है कि 2-4 दिन तक की परेशानी है। जी बिल्कुल, 2-3 दिन की तो परेशानी है, जिसके पास है वो तो टंकी फुल करा लेगा, और जिसके पास रोजमर्रा के लोगों का नहीं है वो क्या करे, तो वो भी आए हम लोग किस तरह ख्वार हुए लगे, पैसे बेचारों के पास नहीं, और जो रोजमर्रा काम करते हैं रेगुलर बेसिस पर जो काम करते हैं क्या होगा?
ये तो है, बिल्कुल परेशानी है उनके। सर क्या करें, ये हुकूमत की नाइली है, क्या कर सकते। इस हुकूमत से जो मुतालबा थे मेरे, हुकूमत से जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें सारी एक गरीब की कश्मकश में चूर हो गई हैं। एक गरीब मजदूर 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, मेरी तरह एक सेलमैन हूँ मैं 400 रुपये रोज़ के कमाता हूँ, लेकिन मेरे लिए ये भी गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह पाक करा देते हैं। लेकिन इन्होंने गरीबों को निचोड़ दिया, ऐसा निचोड़ दिया कि बस इमरान खान से जो मुतालबात थे कि उम्मीदें गरीब को लेकर आएंगे कि इमरान ऐसा करेगा, इमरान ऐसा करेगा, इमरान वैसा करेगा, इमरान ने कुछ भी नहीं किया गरीब के लिए, या किसी हुकूमत ने ये नहीं किया कि पेट्रोल का मुतालबा वो कर दें। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इमरजेंसी कल की है, वाइफ का मसला है, लेके जाना है उनको, यहाँ पे लाइनों में लगे हैं। यहाँ पे पास एक और शख्स एक और शहरी मेरे है जिनको कल अस्पताल जाना है, और अस्पताल प्रॉपर मीन्स कोई वजह से बात कर फॉरवर्डी मैंने इस्तेमाल करा है कि इनको हॉस्पिटल जाना है अपने फैमिली को लेके, ठीक है। और इस वक्त इनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और खुदा ना ऐसा कोई शहरी का पेट्रोल भी नहीं है और जेब में पैसे भी नहीं है, और उसका किसी की इमरजेंसी होती है तो उसका कौन जिम्मेदार है, आपके ख्याल आप बताएं। सर हुकूमत ही जिम्मेदार है। भाई जान पेट्रोल हम क्या फिल करवाएं, मुझे बताओ, हम बेरोजगार हुए, यकीन करो, किराए की गाड़ियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, हमारे चूल्हे बंद हो रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमें वोट देके कामयाब करना, और ये हमने इनको वोट दिया है, और ये हमें क्या कर रहा है, हमें बर्बाद और तबाह कर रहा है। अल्लाह ताला इसको बर्बाद और तबाह करेगा, हम तो ये चाह रहे हैं मेरे भाई, खुदा की कसम हमारे बच्चे जो है ना तालीम से महरूम है। भाई ये बताइए आपके, सिर्फ हर चीज़ तो इमरान खान या वजीर आजम पर नहीं है ना, रॉन्ग पॉलिसीज पर है ना, पिछले 20 साल से या 30 साल से रॉन्ग पॉलिसीज हो रही है, इसी वजह से तो ऐसा है ना। भाई हमारे नजरों में तो इमरान खान है, हमने वोट दो, इसलिए बोला था कि हमें वोट दे दो, हमने किसी और को तो नहीं दिया ना, हमने इसको, ये नया पाकिस्तान है, ये तो बर्बाद पाकिस्तान है, नया नहीं है। बहुत सी मुश्किल का सामना इंसान को फेस करना पड़ता है मिसाल के तौर पर। यार अभी देखें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बंदे की काम की, सही है, अगर कोई कॉन्ट्रेक्टर है तो काम चला रहा है, वो 10 गाड़ियां उसको चलानी है। ये तो तमाम आवाम को इस वक्त पता है ना कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो क्या अब नहीं मिल रहा तो अब आवाम क्या करेगी, क्या दूसरे की गाड़ियां तोड़े क्या करे, मेरे को ये बताएं ना क्या। पेट्रोल के ऊपर जो बात है, ये रुक के जो बैठे हैं, लोगों ने बोला था नहीं भरेंगे कोई भी, पर हमारी मजबूरी थी कि भरना है, चाहे भी 150 के 200 भी लेके आएंगे ना तो लोग भरेंगे। इन्होंने ठीक कहा बिल्कुल कि इनकी मजबूरी है, शहरी की मजबूरी है कि उनको पिक एंड ड्रॉप है या डेली वेजिस का काम करना होता है, तो अपनी ड्यूटी पर जाना, 100 या 200 का या 300 ना डलवाएंगे वो अपनी बाइक पर या गाड़ी पे, तो उनकी जो है रोज़गार जो है रोज़मर्रा का जो 1000 रुपये की दिहाड़ी है या 500 रुपये की दिहाड़ी है वो मुतासिर हो जाएगी, इसी वजह से वो 1500 का या 1000 का रिस्क नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं 200 रुपये का पेट्रोल डलवा के जिस तरह भी, और 2 घंटे की लाइन में लग कर या 3 घंटे की लाइन लग कर वो पेट्रोल डलवा रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपको अपडेट कर रहा था, लोगों के इजहार ख्याल सुना रहा था, जो पेट्रोल की बंदिश है इस वक्त, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, आखिर हुकूमत रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से ये मसला सामने आया है, ऐसा ही है लोगों का कहना है, लोगों का कहना ये रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं है, आज पेट्रोल भी चला, बिजली के साथ साथ गैस के साथ साथ आज पेट्रोल की भी महरूमी हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को, और लोगों का कसीर तादाद में जो है लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं। हमारा मुतालबा ये है, हमारी जो है कि किसी ना किसी शहर में खुदा ना खास्ता जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में गुज़िश्ता हफ़्तों में शहर कराची में हादसात हुए हैं आग लगने के, खुदा ना खास्ता ऐसी इमरजेंसी हो जाए बड़े पैमाने पर, कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए मेरे मुंह में खाक हो, मगर खुदा ना खास्ता हो जाती है तो एम्बुलेंस के पास पेट्रोल है अवेलेबल, एम्बुलेंस के पास गैस है, क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास गैस है, इसका पेट्रोल का असर कितना मुतासिर होंगे लोग, दूध वाला एक दूध अपना सप्लाई नहीं दे सकेगा, बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, जो रोज़मर्रा डेली वेलीजिस वाले हैं वो अपने फैक्ट्रियां अपने ऑफिसेज नहीं जा सकेंगे, तो इस पेट्रोल की वजह से पेट्रोल ना मिलने की वजह से कितने लोग मुतासिर होंगे, ग्रास रूट लेवल पर लोग मुतासिर होंगे, तो प्लीज़ इस पर नज़रसानी की जाए और इस मसले का फौरी तौर पर हल किया जाए। शुक्रिया। हुसैन दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।